नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस अर्गस सेला सैटेलाइट लोकार्पण कले केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सामिल हेले वरिष्ठ साहित्यिका प्रतिभा राय और लोककवि पद्मश्री पूर्णिमा सिजानी वर्चुअल मोड रे देश विदेश रु लक्षाधिक ओडियांको योगदान लोकार्पण उत्सव में ओडिशा सह भावात्मक संपर्क कथा मने पकाइले निर्मला सीतारमण कहले पत्थर रे कथा कुहाई पारंती शिल्पी प्रतिभा राय प्रतिक्रिया कृषि साहित्य और संस्कृति को देखाई बरगस आईसीयू बेड रे रहुछि किए गुरुतर असुस्थ होइ नथिबा रोगी माड़ी बसुछन्ति कि आईसीयू तर्जमा पाई गठन हला चारि जणिया कमिटी कटक भुवनेश्वर समस्त हॉस्पिटल हेब जांच देशर कोरोना स्थिति ने प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय बैठक टीकाकरण स्थिति ने आलोचना एपटे राज्य में पुणि बढ़ कि लॉकडाउन 4:30 रे मुख्य शासन सचिव प्रेस मीट 15 जिले में ऑक्सीजन प्लांट व्यवस्था पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखिले धर्मेन्द्र संकट समय तुरंत पदक्षेप ने हर्षवर्धन को अनुरोध कले केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री 19 प्लांट स्थापन निवेदन एवं माड़ी आसुची बात्या ताउते 18 तारीख मध्याह्न किंबा संध्या सुधा गुजरात उपकूल दे कर अतिक्रम स्थितर मुकाबला पाई गुजरात गला मुंडली 5 एनडीआरएफ टीम संपूर्ण खबर को आसीबा अर्गस हेला सैटेलाइट लोकार्पण कले केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वरिष्ठ साहित्यिका प्रतिभा राय उपस्थित रही थे लोककवि पद्मश्री पूर्णमासी जानी सामिल होते वर्चुअल मोड्रे लोकार्पण उत्सव अनुष्ठित होता वर्चुअल मोड रे देश विदेश लक्षाधिक ओडियां योगदान देखा मिलता सत्यर संधान व सबुबले लोकों साथी रे अर्गस यात्रा अर्गस को अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण का शुभेच्छा चैनल रो सैटेलाइट शुभारंभ उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में योगदान करते देशर प्रथम महिला अर्थमंत्री ओडिशार कला संस्कृति समृद्ध भाषा को मानव सेवा ही महाप्रभु प्रकृत सेवा ए सब बाबद आलोचना करते ओडिशा सह मोर भावात्मक संपर्क रही ओडिशार शिल्पी पथर से कथा कुहाई पारती ओडिशी पटचित्र मंदिर कारुकार्य ओडिशार परिचय अटे ओडिशार कला सह समृद्ध साहित्य ओडिशा को सारा विश्व रे कराई पारिछि परिचित फर्स्ट बाउ माय हेड विद माय हार्ट्स फुल टू महाप्रभु जगन्नाथ ऑन दिस डे विच इज अक्षय तृतीया विच इज वेरी सेक्रेड आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर to launch a transitional growth upwards for Argus digital channel, which has been a successful digital channel till now, to now graduate up to become a satellite news channel. It is said, Naraseva He Narayana Seva. So on Akshaya Tritiya, if we are talking about serving Lord Narayana, serving Prabhu Jagannath, there cannot be a better way of serving Him than serving the human being. And in the information age that we are living today, serving the human is by giving the right information at the right time in a very balanced way and in the language of the people themselves. चैनल रो शुभारंभ कार्यक्रम रे गणमाध्यम रो दायित्व संपर्क रे से देथिले परामर्श से कहिथिले ओडिशा रो कृषि साहित्य संस्कृति को गणमाध्यम त देखैबो किंतु आज भी समाज रे थिबा अंधविश्वास को दूर करबा को गणमाध्यम चेष्टा करबा दरकार आध्यात्मिकता रो प्रचार सहित अंधविश्वास दूर करबा दरकार गणमाध्यम न्यूज प्रसारण करबा समय रे कल्पना जल्पना रो स्थान त आदौ नाही गणमाध्यम रो चारि मूलमंत्र सत्य सकारात्मकता निर्भयता एवं निरपेक्षता गणमाध्यम भाषा को विविधता को प्रचार करे
से आशा रखिछन्ति अर्गस माटीर कथा कहिब, ओडिया भाषार कथा कहिब। कोविड विश्वमारी परिस्थिति जोगु जूम मीटिंग माध्यम रे प्रसारित ए उत्सव रे जोग देथबा अनेक स्तुतिवृन्दकर संख्या मु देखुछि, सेमनकु समस्तनकु मु प्रणाम जनाउछि। मानवीकतार एही अभावित संकट समय रे गणतन्त्रर चतुर्थ स्तम्भ गणमाध्यमर भूमिका सम्पर्कले आपण अवगत अछन्ति, एवं सेही भूमिकार गुरुत्व अनुभव करि जेऊ माने यार पृष्ठपोषकता करिसेंति एवं जेऊ माने उत्साह दे एको आज डिजिटल रु सैटेलाइट को आनी पहुँचेछन्ति, सेही यात्रा पथ संग्राम को अतिक्रम करि से पृष्ठपोषक एवं जो माने यार मुख्य उद्योक्ता से मानकु धन्यवाद जनाउछि, साधुवाद जनाउछि। एहा एक स्वागत योग्य एही परिस्थिति रे वर्तमान समय रे एहा होछि एक स्वागत योग्य पदक्षेप। अर्गसर शुभ उद्घाटन कार्यक्रम रे उपस्थित रही शुभेच्छा जनाइछन्ति पद्मश्री पूर्णमासी जानी। भगवान को स्मरण करिबा सह एक सुंदर भजन गाई से समस्तंकु जनाइछन्ति शुभेच्छा, एवं एही महामारी समय समस्तंकु पई से भगवान को निकट रे करिछन्ति प्रार्थना, एवं भक्तंकु चेतना जागृत करबाकु से करिछन्ति गुहारी। अंतर भीतरे देखि पारु नै, सुनि पारु नै, जानि पारु नै, किंतु स्वर्ग मत पाताल परिचन्ते परम ब्रह्म विराजमान करिछन्ति एही माया शरीर मत्य पुररे रही भगवानकर नाम आमे आत्मा मध्यरे स्मरण करी डाकिबा। हे जगतर नाथ जगन्नाथ, आपण ए संसार को सुखी करंतु, भक्त मानकर मनोवांछा पूर्ण हो, भक्त माने जेपरी समस्ते आनंद मनरे एही संसार रे विहर करछन्ति सेही संसार को सुखी करंतु। जगन्नाथ स्वामी, आपण ए दुर्लभ शरीर विद्यमान अछन्ति, आमर स्वर्ग मर्त्य पाताल भूमि पर्यंत आपण सब ठारे अछन्ति। आपण को आमे ए माया शरीर धरि किछि चिन्हि पारु नै, जानि पारु नै, तुमे ए दुर्लभ शरीर दुर्लभ रूपरे वास करछो, किंतु आपण शरीर को माया मायार आबद्ध कर दैछ। आपणकर नाम रत्न आमे गाई पारु नै, चिन्हि पारु नै, एतिकि मोर आशीर्वाद। समस्ते सुख कल्याण, सुबुद्धि, सुज्ञान, शांति संसार रे एई एतिकि मोर आशीर्वाद। डिजिटल रो सैटेलाइट रो यात्रा अर्गस सबुबेले लोकंक पई काम करिछि, लोकंक पई प्रतिबद्ध बोली कहिछन्ति अर्गस रो संपादक संजय जेना। सत्यर संधान एही लक्ष्य नै अर्गस काम आरंभ करिछि, करूछि, आगक मध्य करबो बोली से कहिछन्ति। अर्गस रो केवल रूप बदलि जाइछि किंतु चरित्र नुहे। सेभले ओडिसा रो कोण अनुकोण रु समस्या को सरकार को दृष्टिकोण आजिब, लोकंक समस्या ही आम पई गुरुत्व एवं प्राथमिकता बहन करबो, अर्गस सबुबेले लोकंक साथी रे रहिबो बोली से कहिछन्ति। कॉमन मैन से भी आम पई सीएम टू किछ कम नुहे, सचिवालय रो सीएम कठारु ओडिसा रो पुरपल्ली रे अपांत अंचल रे थिबा कॉमन मैन रो सीएम रो तथा को आमे सेति की गुरुत्व रो सहित देखेबा पई आमे बद्ध परिकर। अर्गस रो दर्शक एवं शुभेच्छु माने, आज दिन रे मु आपण मानंकु अर्गस रो संपादक भाव रे प्रतिश्रुति दउछि, गणमाध्यम रो दायित्व को सबु पक्ष को गोटिए मंच रे एकाठी करिकि समस्तंकर वितर्क माध्यम रे समाज निजर मन तयारी करू, मत तयारी करू, ए काम रे आमे शामिल रहिबु। दर्शक बंधु, आमे खबर प्रसारण कला बेले हुए तो आम खबर कहा पई पॉजिटिव हेई पारे, कहा पई नेगेटिव हेई पारे, आमे काय मनोवाक्य रे सत देखेबा पई बद्ध परिकर। आमे कहार विरोधी नुह, आमे खबर प्रसारण परे भी कथा होचु जो माने जो मानक विरोध रे हुए तो खबर जाई थे पारे। गणतांत्रिक विधि व्यवस्था रे अनेक सहृदयतार सहित भलरे मध्य ग्रहण करुचंती, ये तो आम गणतंत्र रो विजय। कोरोना को नै केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय रो प्रेस मीट देखिबा सीधा प्रसारण। हमारे देश ने जो अब तक वैक्सीनेशन कवर किया है उसमें 18 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें पीपल अबव 45 इयर्स ऑफ एज,
13.74 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स 1.62 करोड़ डोजेज, इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स 2.25 करोड़ डोजेज, और वह आयु वर्ग 18 से 44 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 42.59 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही हम हमेशा बात करते हैं कि कभी भी हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज, हमारा कोविड मैनेजमेंट दो भागों में एनालाइज करा जाना चाहिए। एक तरफ हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स चलते रहें, यानी कि हम रूट कॉज पर काम करें, इन्फेक्शन को ही ना फैलने दें। दूसरी तरफ हमारी मेडिसिन व्यवस्था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारू रूप से, जो केसेस अगर पॉजिटिव हो भी उनको समय पर मैनेज करें ताकि वे केसेस भी रिकवर हो सकें। इसी के तहत हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे कि जैसे भोपाल में करीब 200-250 जब केसेस आने शुरू हुए, वहां पर कुछ कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर फोकस किया गया इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन फॉर वन डे, इसी तरह से वीकेंड लॉकडाउन करता रहे, लेकिन हमने पाया कि केसेस फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उन बढ़ते केसेस की परिस्थिति में हमने देखा कि एक स्थाई पर केस पॉजिटिविटी जो 14% थी वह बढ़ी 22% हुई, 22 से 25, 25 से 29 और 29 से बढ़ते बढ़ते 33 और 37% हो गई, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, जो ओवरऑल हमारे कितने भी एफर्ट्स हो उसमें हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पैदा कर सकता है। स्टेट के द्वारा किए गए प्रयत्न इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, उनका इम्पैक्ट जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि कभी भी हम कंटेनमेंट एफर्ट्स करते हैं तो थोड़ा समय लगता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे को फील्ड में दिखाई दे। तो जो एक पीक 5,725 केसेस की आई, वह धीरे धीरे करते हुए अब करीब 2,800 केसेस और साथ ही हमारा 37% जो हमारा केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 22.7% रह गई है। ये एफर्ट्स अभी भी कंटिन्यू करने की जरूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जहां पर भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी हो वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम करे जाना बहुत जरूरी है। यहां यह समझने की जरूरत अति आवश्यक है कि जब भी हम कंटेनमेंट पर काम करें तो हम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंटेनमेंट पर काम करने की अति आवश्यकता है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए मास्क का इस्तेमाल किया लेकिन 2 गज की दूरी नहीं रखी, इसी तरह से हमने रेस्ट्रिक्शंस और इंटरमिंगलिंग को एक जगह पर स्टॉप किया लेकिन दूसरी जगह पर स्टॉप नहीं किया, तो हम उस सिचुएशन में आ सकते हैं कि यहां पर हमने केस को कंटेन किया, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका, लेकिन दूसरी जगह पर वह इन्फेक्शन का स्प्रेड फिर हो सकता है। तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तहत फील्ड पर काम हो, जिसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से स्टेट्स को रिक्वायर्ड गाइडेंस भी प्रोवाइड की है। आज एक स्थाई पर जब हम अपने घरों में रह रहे हैं रिलेटिवली, हमारे को जरूरत है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म भी क्रिएट करें कि रेगुलर मेडिकल संबंधित गाइडलाइंस, रेगुलर मेडिसिन संबंधित जो हमें जानकारी या कोई हमारी डॉक्टर से अगर हमें संपर्क करना हो तो हम घर पर रहकर भी उसे कर सकें, जिसके तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे स्टे होम स्टे सेफ। उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेलीमेडिसिन पद्धति भी शुरू की है, जिसके तहत आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली हम लोग लाना चाहेंगे कि यह ई संजीवनी एप्लीकेशन, जिसके दो कंपोनेंट हैं, यह अब तक 50 लाख पेशेंट्स को 31 स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है। इसके द्वारा ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, की जा रही हैं। इसके द्वारा कोविड 19 से रिलेटेड ओपीडी भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके द्वारा जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनको ओपीडी दी जा रही है, और जिसमें हम फाइनल ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी हेल्प ले रहे हैं ताकि हम पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकें। इस सर्विस के दो कंपोनेंट हैं, एक पेशेंट टू डॉक्टर यानी कि ओपीडी सर्विसेज, एक डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। पेशेंट टू डॉक्टर सर्विसेज अभी 28 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 17,000 से अधिक डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डॉक्टर टू डॉक्टर सर्विसेज 22 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 21,000 के करीब डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हैं। अब तक अगर हम देखें तो पाते हैं कि पेशेंट टू डॉक्टर में 30 लाख से अधिक कंसल्टेशन हो चुके हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन में भी करीब 19.7 लाख कंसल्टेशन हो चुके हैं। यह हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं ई संजीवनी ओपीडी पर, वहां पर आप अपना वेरीफाई करेंगे एक मोबाइल नंबर, उसके बाद एक टोकन आपके लिए जनरेट किया जाएगा जो भी पेशेंट ये सर्विसेज चाहता है, और उसके बाद उन लोगों को एक वेटिंग टर्न मिलेगा, और जैसे ही एक डॉक्टर जो कि
उस समय अवेलेबल हैं, वो फ्री होंगे, तुरंत आप अपनी टेली कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज देश में 350 प्लस ओपीडी ऐसे सेंटर्स इस ई संजीवनी एप्लीकेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एम्स भटिंडा, बीबी नगर, कल्याणी, ऋषिकेश जैसे टर्शियरी हाई केयर इंस्टीट्यूट भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही एक्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यह मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसके अभी तक 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए जब आप अपने घर पर रहें, आपको मेडिकल संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही चाहे वह हमारे कम्युनिटी केयर सेंटर्स हों, चाहे वह हमारे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर का कंसल्टेशन हो, ताकि अगर हमें ईआईसीयू या ऐसी कोई सर्विसेज रन करनी हो, उसके लिए डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विसेज भी सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके तहत 18,000 से अधिक देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 1,500 से अधिक हब हैं, जहां पर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में रहने वाले हमारे डॉक्टर्स हों या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हों, इनको कोई भी गाइडेंस चाहिएगी तो ये इन हब्स में रहने वाले डॉक्टर से बात करके वह गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के तहत एक और मुख्य विषय मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव भी हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में टेली कंसल्टेशन के बाद आशा वर्कर्स मेडिसिन को घर पर प्रोवाइड करने का कार्य भी कर रही हैं। इस समय जैसे कि हम आपके सामने दिखाएंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे आइदर वह हब हो या एक इंडिविजुअल डॉक्टर हो, वो अक्रॉस द कंट्री हमारे नागरिकों को कैसे अपनी सर्विसेज, अपनी टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यह हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। साथ ही देखें कि पूरी देश में यह सर्विस अब धीरे धीरे फैल रही है, ये अवेलेबल है, जैसे महाराष्ट्र में ई संजीवनी द्वारे आरोग्य सेवा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में ई संजीवनी सेवा, इसी तरह झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हर स्टेट में यह सर्विसेज अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए हम इंश्योर करें कि जब हम अपने घर में रहें, सेफ रहें, हमें छोटी छोटी गाइडेंस के लिए बाहर ना जाना पड़े। इन सब विषयों में बात करते हुए हम फिर से आप सबसे विनती करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम रूट कॉज पर काम करें। रूट कॉज, जैसे कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि अगर वायरस को हमें तोड़ना है, वायरस को हमें मैनेज करना है, तो जरूरी है कि आई एंड यू, यानी कि आप और हम मिलकर उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को, जब सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करेंगे, तभी हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को तोड़ पाएंगे। इसके साथ ही एक और विषय हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए सपोर्टिंग एनवायरमेंट, कम्युनिटी सपोर्ट से जैसे अब तक हम करते आए, वह कंटिन्यू करते रहें, और इस बीमारी को स्टिग्मा ना मानते हुए इस बीमारी से संबंधित जितने हमारे पेशेंट, उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करके हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने पर निरंतर कार्य करते रहें, यही हम आपसे विनती करना चाहते हैं। धन्यवाद। जो भले भावे आप सुनते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेसमिट आमको रूट कज रे काम करने पड़े क्यों अभाव रही तृणमूल स्तर में तार समाधान करने पड़े जदि आम भाइरस सहित लड़े करवा कारण ये लड़े केवल आपणकर कि आमर नुह ए लड़े हो सारा विश्ववासी एक क्षेत्र में देश किभली भाव में मुक्ति पाइब से अनबरत चेष्टा जारी रही चेष्टे समस्ते सामिल होती। आज पवित्र अक्षय तृतीया एवं आज महाप्रभु रथ निर्माण पर कार्य आरंभ हो जाए तेज चंदन यात्रार प्रस्तुति पुरी में आरंभ हो जाए। चलतु सविशेष भाव में तथ्य पर रिपोर्टर जी रही आलोक आशुतोष को पाखक जावा। आलोक, आज श्रीमंदिर बेढ़ किभली भाव में प्रस्तुति आपड़ देखुं चंदन यात्रा को लेकिन
निश्चित स्मृति लग्न आज श्रीक्षेत्र संपूर्ण रूपे चलचंचल हो पड़े कारण जानते आज हूँ पवित्र अक्षय तृतीया महाप्रभुं द्वादश जात्रा मध्य पवित्र अक्षय तृतीया हूँ अन्यतम आज दुई दुईट शुभ अनुकूल आपड़ जानते आज रथ काठ अनुकूल रथ निर्माण आज शुभारंभ होनेपटे नरेन्द्र पुष्करिणी में आज महाप्रभु चलती प्रतिमा जी रही रामकृष्ण मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी और पंचमहादेव एम जल क्रीड़ा करेंगे तो निहत भाव में ताजा दृश्य देखा चाहिए जेहतु स्मृति लग्न किसी समय पर श्रीमंदिर आज्ञामाला आसवता पूर्व आम कहींपर बर्तमान वनजाग पद्धति में होम सरी जाइए जो श्रोतिर ब्राह्मण मैंने देवल पुरोहित मैंने होम कार्य को संपादन करते अपेक्षा रही महाप्रभु ठार कि समय पर आज्ञामाला आसवान आज्ञामाला आसवापर तीन रथर जो तीनो धौरा काठ थुआई आम से ताजा दृश्य टी कैमेरा पर्सन सनातन को कह देखे श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें तीन गोटी स्मृति लग्न धौरा धौरा काठ थुआ से धौरा काठ तीन गोटी संपूर्ण रूपए आज पूजार्चना करा पूजार्चना जो तीन रथर जो ब्राह्मण रही जेहेतु आज दिन एत महात्म्य रही है जो धौरा काठ आप कहते तार कौन विशेषत्व रही है आम शुणीपर कि निश्चित भाव स्मृति लग्न आम प्रतिक्रिया ना आम सहित श्रीमंदिर पुरोहित जोड़ी आम प्रतिक्रिया ना कि जहाँ समय समय आसी रोचे जाओ किसी समय पर बर्तमान आसी पहुँचा आज्ञामाला पहुँचा आलोचना करवा आम सहित अच्छा पंडित अच्छा आज्ञा धौरा काठ रही है श्रीमंदिर पाखे प्रशासन कार्यालय सम्मुखें आ कि समय पर पूजार्चना कर रथ निर्माण शुभारंभ हम कौन रही है यार विशेष परंपरा आमर ये काठ सरस्वती पूजा दिन पूजा होते रथ कला को काठ आसे सेतेबेले ई तीन खंड काठ को प्रथम एठार स्वागत करा जाए राजगुरु एवं पुरोहित ई दुई जन को संस्कार कर रखि था आज दिवस से ही तीन खंड काठ को आम देउल पुरोहित आचार्य बसवे एवं एगार जन क्षत्रिय ब्राह्मण रहिबे ताको आम से महान सिंह मंत्र रे आज याकु आम पूजन करा जीव ता पूर्व विधि अच्छी ये आम हवन कार्य अच्छी आम आज प्रथम आम भूमि शुद्धि है दीपस्थापन है वरुण पूजा स्वस्ति वाचन संकल्प एवं महाविष्णु नृसिंह पूजा दक्षिण काली पूजा सर पर शहे आठ नृसिंह मंत्र हवन काली मंत्र हवन पीठ देवता हवन किसी समय पर आज्ञामाला आसवान आज्ञामाला आसवापर जहाँ आप सूचना दूसरे तीन जन मुख्य महाराणा जी रही शाढ़ी बंधा नीति जितेबाला आज्ञामाला आसव आज्ञामाला जितेबाला सिंहद्वार बाहर को बाहरी पड़ो ये आम चार विश्वकर्मा ये बसवे प्रथम बलभद्रंर विश्वकर्मा को आम आचार्य जी अच्छा देवल पुरोहित सीए विश्वकर्मा रूप में वरण करेंगे जगन्नाथ विश्वकर्मा को वरण होशेषे सुभद्रा विश्वकर्मा को दुई थर निश्चित भाव आलोक आसुतोष आम चमत्कार परंपरा रही परंपर ओडिया माने सामिल होती निश्चित भाव एक खुशी कथा जदिओ कोविड कटकणा किंतु घरे रही समस्ते देखुं महाप्रभु परंपरा किमती चली आज पवित्र दिन में समस्ते प्रार्थना करश्वर संकट दूरे जावाई बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पर आलोक आशुतोष रिपोर्टर रही थे पूरीर जी अधिक अपडेट देते समय बुलेटिन को रखा मत विदाय दिंतु नमस्कार।